आज हम आप लोग के लिए लेकर आया जो कूलर कंपनी का कलरफुल कंपनी का मदरबोर्ड, इस 10 जनरेशन का मदरबोर्ड है। आज हम आपको सिस्टम तैयार करके दिखाएंगे कि कैसे सिस्टम तैयार किया जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये कोर i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का डाल के आज हम लोग सिस्टम तैयार करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे लाइव कैसे सिस्टम तैयार करते हैं, और आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। कोर i5, और आपको और दिखाते हैं, इसका लाइव दिखाते हैं आपको। ये रहा मदरबोर्ड, ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत मदरबोर्ड है, पावरफुल कंपनी का। अभी इसका डब्बा ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये जो सिस्टम है दोस्तों, आज हम न्यू तैयार कर रहे हैं, न्यू तैयार करके और आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे हम तैयार करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिए, इसके अंदर में इसका मॉडल भी दिखा देते हैं आपको, कितना खूबसूरत सा है। न्यू तैयार कर रहे हैं, न्यू तैयार करके और आप लोगों को दिखाएंगे हम कि 10 जनरेशन का i5 तैयार कर रहे हैं दोस्तों। 10 जनरेशन में i5 हम आपको दिखाएंगे तैयार करके। ये देखिए XP जी का रैम लगा हुआ है, इसमें लाइट वाली रैम है, कलरफुल कंपनी का मदरबोर्ड है। ग्राफिक का बात करें तो इसमें 2 GB ग्राफिक डाल के हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं आज। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें पावर सप्लाई को टाइट करेंगे। देखिए हमने इसमें पहले पावर सप्लाई को डाल दिया, फिर पावर सप्लाई के बाद में हम लोग इसमें बोर्ड टाइट करेंगे। बोर्ड टाइट करके फिर दिखाते हैं आपको। इसके अंदर हम लोग मदरबोर्ड टाइट कर दिए हैं, देख लीजिए। इसके अंदर हम लोग मदरबोर्ड लगा दिए हैं, ग्राफिक कार्ड भी टाइट कर दिए हैं इसके अंदर में, और आपको दिखाते हैं इसके अंदर SSD हार्ड डिस्क दोनों डाल दिए हैं हम लोग। और इसके अंदर आपको फैन का बात करें तो इसमें 5 फैन लगा हुआ है, 2 इधर है और 3 इस साइड में है। चलिए हम लोग सिस्टम चालू करके और चालू करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग पावर देते हैं, इसके अंदर हम लोग पावर दे दिए। चलिए अब इसको ऑन करके दिखाते हैं, और देखिए दोस्तों कितना कलरफुल इसमें लाइट है। ये 10 जनरेशन का हम लोग तैयार किए हैं, देख लीजिए कितना कलरफुल आ रहा है। इससे पहले भी हम बताए हुए थे आपके, जैसे हम सिस्टम तैयार करेंगे तो हम लोग आप लोग को बताएंगे हम कि 10 जनरेशन सिस्टम कैसे तैयार किया जाता है। ऑलरेडी आज आपके पास अवेलेबल है। फीचर का बात करें तो इसमें 8 GB रैम डाले हैं, 2 GB ग्राफिक डाले हैं, 2 TB हार्ड डिस्क डाले हैं, 256 GB SSD डाले हैं। और मेरा सिस्टम रेडी हो गया। चलिए हम लोग अब इसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। हम लोग फिर से इसमें विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, और विंडो इंस्टॉल करके हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर विंडो 11 इंस्टॉल कर रहे हैं। 11 इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको। इसमें आप विंडो 10, 11, अनबंटू और मैक कोई सा भी विंडो आप डाल सकते हैं। देखिए
देखिए दोस्तों, स्क्रीन आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पे हम लोग यहाँ से इंस्टॉल नाउ करेंगे। सेवन इसलिए नहीं चलेगा दोस्तों, या एक्सपी जो भी एक्सपी 98 इसमें नहीं चलेगा, जो कि इसका मदरबोर्ड है, कि जनरेशन 10 जनरेशन होता है, इसलिए इसमें ना 98 प्रोग्राम चलेगा, ना इसमें 95 चलेगा, ना इसमें एक्सपी चलेगा, ना विस्टा चलेगा। आप इसमें 7 इंस्टॉल कर सकते हैं, 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, 8.1 इंस्टॉल कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, अनबंटू कर सकते हैं, या लिनक्स कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। एक इसमें इंस्टॉल अगर नहीं होगा तो आपका एक्सपी नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, है तो पुराना मॉडल हो गया है और ये लेटेस्ट वर्जन है, ये आपका 10 जनरेशन का i5 है। फिर ये स्टार्ट हुआ सिस्टम, फिर ये स्टार्ट होने के बाद कितना फास्ट इसमें एसएसडी लगने का कारण, कितना फास्ट में आपका वर्क करेगा दोस्तों, ये देखते देखते आपका विंडो डल जाएगा और देखते देखते ही आपका विंडो खुल के रेडी हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड में ये आपका सिस्टम रेडी होकर आपका काम करने के लिए, वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों। पाउच किया, पाउच किए हैं, रोक दिए हैं, अभी रुका हुआ 40, 41। यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। यहाँ से हम लोग लैंग्वेज का बात करें तो हम लोग यूएसए यहाँ से रख सकते हैं, या इंग्लिश इंडिया करके भी हम लोग रख सकते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट करके स्किप करेंगे हम लोग, यहाँ से भी हम लोग स्किप करेंगे। और यहाँ पे जो सिस्टम का नाम है, या आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें विंडो 10 का अपलोड किए हैं, प्रो विंडो 10 प्रो इसमें हम लोग डाल दिए। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ अगर पासवर्ड लगाना है तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे हम लोग यस। यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम भी वेट करता है। वेट करने के बाद आपका सिस्टम ऑलरेडी खुल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा विंडो 10 खुल के रेडी हो गया। अब यहाँ पे माई कंप्यूटर नहीं है या और भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप आइकॉन को बाहर निकालेंगे। यहाँ से हम लोग थीम्स पे क्लिक करेंगे। थीम्स में करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन आ जाएगा। ये रहा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। यहाँ से हम लोग नेटवर्क, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, यहाँ से अप्लाई करके हम लोग ओके कर देंगे। सारा यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर का फीचर आपको दोस्तों बता देते हैं। इस वीडियो में हम आपको सारा जानकारी देंगे। इसमें देख लीजिए दोस्तों, और i5 10 जनरेशन CPU 2.9 GHz 8 GB रैम, 64 बिट का हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं। इस टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे टेक गुरु बीको को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।